आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से हुई। श्रीनगर के बाहरी इलाके पंठा चौक तक जाएगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के 133वें दिन राहुल गांधी को मिला पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का साथ। महबूबा हजारों महिलाओं के साथ यात्रा में हुई शामिल। राहुल गांधी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत, कहा जम्मू कश्मीर में यात्रा को मिले बेहतर सुरक्षा व्यवस्था। भारत जोड़ो यात्रा का आज का दिन रहेगा महिलाओं के नाम। राहुल के साथ बड़ी संख्या में कश्मीरी महिलाएं कर रही हैं पैदल मार्च। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। 16 फरवरी को राज्य में होगा मतदान। राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड प्लेन, मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सुखोई और एक मिराज विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा। पीएम मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। एनसीसी इस साल मना रहा है अपना 75वां स्थापना दिवस। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन फली नरीमन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू पर साधा निशाना, बोले कोलेजियम की सिफारिशों को रोकना लोकतंत्र के लिए घातक। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल। केजरीवाल बोले भारत का होगा सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार का अजीबोगरीब बयान आया सामने, बोले पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह की मेहरबानी से। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन का 326 करोड़ का फंड रोका। इजरायली पीएम बोले फिलिस्तीन में आतंक पल रहा है, दुश्मन जिंदा रहेगा तो फंड नहीं। भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर पाकिस्तान को जारी किया नोटिस, कहा पाकिस्तान की मनमानी मंजूर नहीं, बातचीत के लिए 90 दिन का दिया वक्त। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यूक्रेन में जंग के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, बोले अगर अमेरिका नहीं होता तो दुनिया सुरक्षित और शांत होती। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, बोले भारत चीन कई मामलों में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की मुंबई में हुई सुलह बैठक में बनी सहमति, 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल हुई स्थगित। काउंटर पॉइंट मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट का दावा, दुनिया भर में स्मार्टफोन की बिक्री घटी, पिछले साल भारत में 9% और चीन में 14% कम बिके स्मार्टफोन। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में बनाई जगह। फिल्म एनिमल के सेट से लीक हुआ रणबीर कपूर का लुक, गैंगस्टर के लुक में आए नजर। दिल्ली में चल रही है फिल्म की शूटिंग। मलाइका अरोड़ा ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, ब्लू ड्रेस में दिए बेहतरीन पोज, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।